हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, जीपैक 2023 22nd ऑफ मई को होने जा रहा है। अब इस बार थोड़ा सा चेंज क्या है कि ये पेपर दो शिफ्ट में होने जा रहा है। अब अगर दो शिफ्ट है तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन आएगा, मन में आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल भी और मैसेज भी कर रहे हैं और परेशान भी है कि सर दो शिफ्ट में होगा तो इसमें कैसे क्वालिफाई मार्क्स डिसाइड किया जाएगा। अगर दो शिफ्ट हो रहा है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, तो दोनों के क्वेश्चन अलग होंगे ऑब्वियसली। अब अगर दोनों के क्वेश्चन अलग है और मान लीजिए एक पेपर इजी हो गया और दूसरा पेपर टफ हो गया, तो इजी वालों का फायदा है, टफ वालों का नुकसान हो जाएगा। बात तो आपकी सही है, लेकिन नहीं, यहां पे मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा। यहां पे ऐसे काउंटिंग नहीं किया जाता है कि अगर इजी हो गया तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 300 प्लस जिन्होंने मार्क्स ला दिया, और जो टफ हो गया वो 250 ऊपर शायद 10 स्टूडेंट भी नहीं पहुंच पाए। तब तो पहले वाले पेपर जिन्होंने 300 प्लस मार्क ऑब्टेंड कर लिए बहुत ज्यादा, उनका तो बेनिफिट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पे सबसे बड़ा रोल हमारा हो जाता है परसेंटाइल का। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज बात करना चाहूंगा। हाँ, वैसे यहां पे प्रोज एंड कॉन्स थोड़ा सा बात कर लेता हूं। देखो, प्रोज क्या है कि आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर टफ है या इजी है। अगर आपके शिफ्ट का पेपर टफ है तो वो सभी के लिए टफ होगा, करेक्ट। अगर इजी है तो सभी के लिए इजी हो गया, तो इसलिए उससे टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा पेपर किसी के लिए टफ है तो वो सभी के लिए टफ होगा, इजी होगा तो सभी के लिए इजी होगा, करेक्ट। लेकिन एक चीज यहां कॉन्स भी है कि क्या है कि सपोज मान लीजिए पहले शिफ्ट में जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे वो सब फर्स्ट शिफ्ट में पहुंच गए। अब फर्स्ट शिफ्ट में पहुंच जाएंगे तो इससे क्या होगा कि उनका ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल आ जाएगा, और सेकंड शिफ्ट में मान लीजिए थोड़ा सा मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं तो उनका परसेंटाइल लो हो जाएगा, तो यहां तो उनका नुकसान हो सकता है। हाँ, ये बात थोड़ा सा ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लक भी उन्हीं का साथ देता है जिनके हौसलों में जान होता है। तो इसलिए इस चीज के लिए टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिए, आपको यह मतलब समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर इस टेंशन से मुक्त होना है तो दिमाग में बैठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका शिफ्ट कौन सा है, दो शिफ्ट में हो रहे हैं, इजी कहां है, टफ कहां है, छोड़ दीजिएगा टेंशन। सारा खेल यहां पे होने वाला है क्या, परसेंटाइल का। और परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये होता है, अगर मैं सिंपली बात करूं, जरा एक फॉर्मूला ले लीजिए। परसेंटाइल का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ वैल्यू बिलो एक्स एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर मैं आपको सिंपली बात करूं, सपोज एक छोटे से एग्जांपल से मान लीजिए यहां पे मैंने ये बोला कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए मैंने बोला कि एक पेपर है, एक एग्जांपल लेते हैं, 10 स्टूडेंट ने पेपर दिया और जो 10 स्टूडेंट ने पेपर दिया उनके जो मार्क्स आए वो यहां पे हैं। अब आपसे ये बोला गया जो हमारा 320 मार्क्स ऑब्टेंड किया है उसका परसेंटाइल बताइए। तो सिंपल याद रखिएगा, जिस मार्क्स के नीचे की काउंटिंग हो रही है उसके नीचे कितने स्टूडेंट हैं। जैसे अगर मैं इसके नीचे की बात करूंगा, 320 के नीचे टोटल 10 स्टूडेंट्स थे और 320 के नीचे कितने, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे सिंपली आप बोलिए 6, तो नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो एक्स जिसको काउंट कर रहे हैं उसके बिलो कितने हो गए, 6, और टोटल कितने हैं, 10। तो हमने बोला 6/10 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां पे हमारा सिंपली आ जाएगा क्या, इसका परसेंटाइल कितना हो जाएगा, इसका परसेंटाइल हो जाएगा 60%। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इमेजिन करिए कि मान लीजिए इस बार 60,000 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं, माफ कीजिएगा यहां फॉर्म फिलिंग करने से मतलब नहीं होता, अपीयर कितने स्टूडेंट होते हैं इससे काउंटिंग की जाती है। कितने स्टूडेंट्स इस बार जीपैट में अपीयर हुए, चलो एग्जांपल मानते हैं 60,000, और ये बोला गया कि हमारा कुछ ऐसे स्टूडेंट, जैसे हमने बोला एक स्टूडेंट से मान लीजिए कि उसका मार्क्स आया 320, जस्ट इमेजिन एक स्टूडेंट है जिसका मार्क्स कितना है 320, और जो 320 जिसका मार्क्स आया है उसकी जो हमारी परसेंटाइल की अब बात करेंगे, उसके नीचे कितने स्टूडेंट है, 320 के नीचे सपोज मान लेते हैं कि हमारा टोटल यहां पे 54,000 स्टूडेंट्स हैं जो 320 मार्क्स के नीचे हैं, तब परसेंटाइल हमारी कैसी आ जाएगी। अब आप यहां पे कंफर्म करिएगा, 54,000 जितने स्टूडेंट्स उससे नीचे हैं
डिवाइडेड बाय द 60,000 और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप इसकी परसेंटाइल इजिली कैलकुलेट करके दे सकते हैं। और अगर आप यहां पे बात करेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, यहां पे हो जाएगी 90%। मतलब अगर 320 मार्क्स जिसने ऑब्टेंड किया उसकी परसेंटाइल कितनी है, 90। या सपोज ऐसे ही अगर उन्होंने एक कट ऑफ बना दिया कि मान लीजिए कि अगर 90% से ऊपर मान लीजिए 5000 स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि हमने इसमें 6000 स्टूडेंट्स लिया, तो मान लीजिए वहां पे कट ऑफ खत्म हो जाएगी। तो ये होता है क्राइटेरिया कैलकुलेट करने का परसेंटाइल। तो आप इस चीज से टेंशन मुक्त रहिए, ये कैलकुलेशन आप बाद में सीखिएगा, अभी इस चीज को सोच के चलिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शिफ्ट कौन सा है, आप में पेपर इजी है या टफ है। जस्ट बी फोकस एंड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रिपरेशन। जो होगा मस्त होगा, जो होगा अच्छा होगा। डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, एवरीथिंग विल बी बेस्ट। सो विद दिस ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये टेंशन मत लीजिएगा कि शिफ्ट फर्स्ट है या सेकंड है, पहले वाले का इजी होगा या सेकंड वाले का इजी होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। Thank you so much to all of you.